और आज जी बोलो वाली सकपू सकपू गर्मी साहब जी सकपू जी। तो जी बांध लिया है बिलासपुरी पटका चीज है अभी सीजनली होती है आज हाँ। और इन्हें कौन नहीं जानता है कितनी महान हस्ती है। जय सिद्ध बाबा बालकना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, आज है रविवार, तो मेरे मायके में आज चौथा दिन है। तो मैं बता ही रही हूँ आप लोगों को, पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो आज रविवार है और रविवार के दिन, मतलब गलती से आ गया रविवार। अगर नहीं आता तो मैं शायद नहीं कर पाती, लेकिन आ गया है तो मैं जरूर करूँगी जो मैं हमेशा से करती हूँ, अपने मायके के सिद्ध बाबा बालकनाथ जी को रोट। तो पहले मैंने आप लोगों को शेयर की ये वीडियो कि जब भी लड़कियां ससुराल से मायके में आती हैं तो अपने मायके के सिद्ध बाबा बालकनाथ जी को पूजा रोट जरूर करती हैं। तो वही मैं अभी करूंगी, उसी की तैयारी हो रही है। मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, अभी बाल थोड़े गिले हैं और मम्मी नहा रहे हैं। अभी सुबह का ये टाइम है, मॉर्निंग 6 बजे का जब मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। पहले 5 बजे तो मॉर्निंग एक्सरसाइज कर ही ली मैंने थोड़ी बहुत, जैसे भी हुई यहाँ पे। तो मॉर्निंग वॉक तो नहीं हो पा रही क्योंकि चारों तरफ घास ही घास है और घास के अंदर से मॉर्निंग वॉक नहीं होती। रोड थोड़ा सा यहाँ से दूर है तो रोड के पास जाने को मन नहीं करता है, तो इसलिए मैंने यहीं पे छत के ऊपर बैठ के एक्सरसाइज कर लिया। और बाहर का मौसम दिखाऊं तो सुबह से हल्की हल्की बारिश लगी है, तो थोड़ा सा दिखाई देती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए जी, पूरा आंगन प्रांगन गीला है और यहाँ से परे ये है फसलें, केले का पेड़, आम का पेड़ और मक्की की खेती। तो मक्की अभी देखिए आधी आधी हुई है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली सावन की। और ये अखरोट का पेड़ और साथ में यहाँ से ऊपर भी एक आम का पेड़। तो आम के पेड़ में कुछ आम हमने पिछली ब्लॉग में मैंने दिखाया था, निकाल दिए थे। और अखरोट तो अभी कुछ टाइम के बाद पकते हैं। और ये देखिए बहुत ही प्यारा हसीन वादियाँ थोड़ी थोड़ी दिख रही है आप लोगों को, तो यहाँ से पेड़ों की छाया की वजह से ढकी हुई है, नज़र नहीं आएगी लेकिन फिर भी दिख रही है, सुंदर नज़ारा है। और बारिश अभी चली है, बूंदाबांदी जैसी चली हुई है, तो चलने देते हैं। और साथ में आंगन में पार देख सकते हैं अरबी के पत्ते, इसके पतीड़ पतरोड़ सब लगते हैं, तो ये हो चुके हैं तैयार। सोच रही हूँ बनाने को, लेकिन मतलब हिम्मत नहीं हो रही है बनाने की, इसको थोड़ा टाइम लगता है बनाने के लिए। तो सोच रही हूँ, मन बहुत करता है खाने का लेकिन बनाने का नहीं। तो देखती हूँ बनते कि नहीं बनते हैं, बनाऊंगी अगर बन जाएंगे तो। और यहाँ पे चूल्हा देख सकते हैं अभी आप लोग, कुछ इस तरह से है सामान से भरा हुआ, क्योंकि आजकल आग नहीं जला रहे क्योंकि गर्मी है, तो गर्मियों में आग कम ही जलाते हैं। तो मैं आज जलाऊंगी क्योंकि मुझे रोट करना है, जो चूल्हे के ऊपर ही करना अच्छी बात है, अच्छा होता है, गैस के ऊपर नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चूल्हा चौका करूँगी हमेशा की तरह, और इसको फ्रेश करके फिर शुद्ध करके तब इसमें रोट बनाऊंगी सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के लिए। तो मम्मी का चूल्हा चिमनी वाला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये देखिए ये है चूल्हा चिमनी वाला जो अभी वीरान पड़ा है क्योंकि आग नहीं जल रही है। ये देखिए जी, रोट बनाने की तैयारी हो गई है। ये गरी को कद्दूकस कर दिया है, तवे को यहाँ पे धो लिया है और गुड़ यहाँ पे लगा दिया करने के लिए, क्योंकि गुड़ के पानी से ही रोट बनाना है। और चूल्हा चौका करके आग जल चुकी है, तो चौका सिर्फ इतना इतना ही किया, गाय के गोबर से देखो शुद्धि जैसी की है बस, और आग जल चुकी है। और यहाँ पे लगी है मदानी दूध छोड़ने के लिए, यानी कि मक्खन निकालने के लिए, थोड़ा सा दही दूध जो लेके आते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लस्सी निकालते हैं खाने के लिए क्योंकि अच्छी होती है। और साथ में घी मुझे चाहिए अभी रोट बनाने के लिए, तब मैं ये निकाल रही हूँ। और मम्मी बैठ गए नहा के, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और मम्मी को अब रोट प्रसाद दिया जाएगा थोड़ी देर में सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का, है ना जी? हाँ जी। तो जी बांध लिया है बिलासपुरी पटका और बना दिए हैं 5 पेड़ यहाँ पे, ये देखिए आज मैं 5 रोट बनाने वाली हूँ बाबे जी के। तो 3, 5, 7, 9 इस तरह से बनते हैं रोट, 11, तो है ना खूबसूरत बात, वाओ। और लग गया है तवा, तो बना लेती हूँ उसके बाद फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों के साथ और बाबा जी के रोट आप लोगों को भी दिखाती हूँ आज। 5 रोट बन गया है और धूप जल गया है, तो धूप में यहीं से जला के ले जाऊंगी क्योंकि वहां पे हवा वगैरह चले तो फिर धूप जलने में मुश्किल हो जाती है। तो चलते हैं अब सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में। तो जी चल पड़े हम लोग अब पूजा करने के लिए, फाइनली हम तीनों रेडी हो गए हैं, अंशु, मैं और अंशु के पापा। और सिद्ध बाबा जी का मंदिर एकदम पास सामने है,
थोड़ा सा दूरी होता है तो खेतों से एकदम दूर होता है सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। और घास और मक्की देख सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा बड़ा हाथी घास मेरे साइड में इस तरफ को, और ये है मक्की का खेत। तो पहुंच गए हैं मंदिर के पास और हरियाली देखो, सावन की हरियाली। तो ये जो मैं रोट अभी कर रही हूँ ये गेहूँ की फसल का कर रही हूँ, और मक्की की फसल का तब होगा जब ये मक्की आ जाएगी। तो इस तरह से दो फसलों का रोट हमेशा सिद्ध बाबा बालकनाथ जी को करना होता है, तो वही करने के लिए जा रहे हैं। चप्पल ना स्लिप हो रही है क्योंकि गिल्ला है नीचे, ओस की बूंदे, ओस की बूंदे। और यहाँ देखिए अदरक, बिलासपुरी अदरक, वही ये है अदरक की खेती। और पहुँच ही गए हम लोग मंदिर के पास। जय सिद्ध बाबा बालकनाथ, पूरी कर दे मन की आस। तो बहुत टाइम के बाद आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के। आ जा बेटा, ये है हमारे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी। जय हो। बैठो। तो जी फाइनली हमारी पूजा हो गई है सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में, और अब हम लोग सबको ये रोट बांटा जाता है, जो जो रास्ते में आते हैं सबको रोट बांटते हैं। तो इस तरह से पूजा की जाती है। पहले मैंने आप लोगों को बना दी है जी चपाती भी चूल्हे में, पर गर्मी से मर गई है। और मम्मी चल पड़े हैं स्पेशल गाय के लिए पहली रोटियां देने के लिए, तैयार हो गए हैं मम्मी। और गाय को रोटी देना बहुत अच्छा होता है, सुबह सुबह पहली रोटी गाय को अगर दे दे तो मम्मी धाटू सिर के ऊपर बांध के। और संजू ला रहा है जी मक्की छील के, अब मक्की भुनी जाएगी क्योंकि चूल्हे की ग्राउडो, ग्राउडो बोलते हैं इसको। तो ये देखिए दो मक्कियाँ छील दी हैं, ये तो हमारे तो अभी हुई नहीं है, लेकिन ये बाजार से लाई हुई मक्की है, पंजाब की मक्कियाँ। तो साथ में अब आग जली है तो इस काम को भी कर ही लेते हैं, मीठी मीठी मक्कियाँ। ये देखिए ग्राउडो में ना अच्छी भुजी जाती है, ये गैस के ऊपर नहीं भूनते नहीं है अच्छी। तवा उठा देती हूँ भाई, तवा रह गया था ऐसे ही, और इसके ऊपर रख देती हूँ कुछ। तो जी रोट करने के बाद चपातियाँ बनाई, सब्जियाँ बनाई, दो 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 सब्जियाँ क्या, एक तो आलू की कढ़ी बन गई है यहाँ पे, ये देखिए आलू की कढ़ी, और यहाँ पे घी की सब्जी। और यहाँ पे अंशु की डिमांड है कि मुझे खाने हैं आलू के परांठे, तो उसके लिए स्पेशल तीन परांठे बनाए, बाकी तो कोई नहीं खाएगा पर अंशु के लिए। तो आलू की कढ़ी भी बन गई ना, आलू थोड़े से उठा दिए थे तो आलू के परांठे भी बन गए। और यहाँ पे लग गए अब चावल, तो सिटी आ जाएगी थोड़ी देर में। तो उसके बाद हमारा लंच भी रेडी हो गया है। तो गर्मी इतनी लग रही है ना कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी, खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे अंदर पंखा चला ही हुआ है और मैं सोच रही हूँ कब जैसे बाहर निकलूँ बाहर की हवा खाने के लिए। तो बस लंच ख़त्म होने के बाद, ख़त्म क्या, लंच करने के बाद फिर बाहर निकलते हैं फ्री होके, तब जाके हवा खाएंगे अखरोट के पेड़ के नीचे। उफ, सच में पसीने से लथपथ। तो फ्रेंड्स फाइनली हो गई है सुबह से शाम, और शाम को पहुंच गए हैं एक और मेहमान। तो मेहमान कौन है, जो है अंजू शर्मा ब्लॉग। आजो जी, गर्मी से बेहाल भाई, एक बार फिर से मेरी दीदी पहुंच चुकी है अपनी बहन से मिलने के लिए, और इन्हें कौन नहीं जानता है कितनी महान हस्ती है। थैंक यू मंजू नालंदा के मुंह से मेरे लिए ये शब्द सुनते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोग तो खैर मुझे जानते ही होंगे सब, और सब जानती है भी गौरी के नाम से बहुत फेमस है, आप लोगों को पता है। गौरी के नाम से, नहीं ये तो सही बात है, गौरी के नाम से, नहीं गौरी के नाम से, संगला वाला जीमू के नाम से। और यहाँ पे चलिए अब सेकंड मिल लेते हैं मेरे जीजा जी। नमस्ते जी, आजकल गड़े भी नहीं मिल सकते, पसीने से लथपथ, आजकल गड़े भी नहीं मिल सकते भाई। पहली बात तो ये है कि इतनी गर्मी है ना यहाँ पे, बारिश का कोई नामो निशान है ही नहीं, और घनाटी की तरफ बारिश हो रही थी शायद, सुनने में आ रहा था शिमला की तरफ बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे नमहोल की बिलासपुर की तरफ कोई बारिश नहीं है भाई। तो क्या करें, हाँ गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पसीना से चिपक रहा है कि पूछो मत। फिर जी जी ठीक है, आप एक बार फिर से हमारा मिलन हो रहा है, आ जाओ। और बहुत अच्छा लग रहा है, दिख रहा है चाहे ना दिख रहा है लेकिन सुनाई पड़ रहा हूँ, मेरी आवाज और मेरा हंसना सुनाई पड़ जाए तो समझ लो।
सबको पता लग ही जाएगा हम लोग हैं। मैं भी ले आती हूँ अपना कैमरा, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं भी करती हूँ। ठीक है, अब बंद करते हैं कैमरा, खाना पीना बनाते हैं, मेहमानों की सेवा पानी करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं, क्या करते हैं। और आज जी सक्पू, सक्पू साहब जी, सक्पू जी, दोनों सक्पू मिल गए हैं यहाँ पे। सक्पू तो यहाँ है, साडू यहाँ। अच्छा साडू, वो सक्पू तो यहाँ है। ओह भूल गए भाई, सक्पू यहाँ पे। सच में मैंने सोचा सक्पू ही लगते होने आपस में। तो हमारी किनौरी लैंग्वेज आप लोगों को बताऊं, सक्पू बोलते हैं जो साड़े होते हैं, और जो बहन बहन के हस्बैंड होते हैं वो साडू होते हैं, वो तो पता ही है। नहीं तो किन्नौर में क्या बोलते हैं? किन्नौर में भी साडू ही बोलते हैं जी। सच बोलो। अच्छा, जो साड़ा होता है उसको सक्पू बोलते हैं। और मम्मी नजारा लेते हुए सबका हंसने गूंजने का। मम्मी देवे आज दो नमूनिया आई है, देवे ना दो नमूनिया आई है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोली सको, अमर अकबर एंथनी। हाँ एक बार फिर से। तो रात हो चुकी है, रात को सिर्फ मिर्च की यहाँ पे पौधा नजर आएगा आप लोगों को, बाकी कुछ भी नजर नहीं आएगा सामने, और कुछ भी नहीं। और गोश्त का धुआं। और मच्छरों के लिए नेचुरल मॉस्किटो क्वाय। तो ये देखिए ये चला हुआ है, साथ में चप्पल भी, चप्पल तो मम्मी की है। तो इस तरह से बाहर बैठ के इंजॉय हो रहा है। अब हम लोग कर रहे हैं डिनर की तैयारी, और ड्रेस हो गए चेंज, क्योंकि किचन में तो बहुत बुरा हाल है गर्मी से, आप लोगों को पता ही है। जब हाँ गैस जल जाती है ना, तब यहाँ खड़े होना बहुत मुश्किल है। और आज दीदी वो डिश यहाँ पे लेके आए हैं अपने घर से बना के, जिसके लिए मैं आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में भी बात कर रही थी कि अरबी के पत्तों की सब्जी बनानी है, लेकिन बनाने का मन नहीं है। लेकिन आज दीदी ने वो ख्वाहिश पूरी कर दी है। तो दीदी शिमला से ही बनाकर, ये देखिए पतीड़ के पत्तों का, पतरोड़ भी बोलते हैं, पतीड़ भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, काट के हटियो, पतरोड़ू, पतीड़, और पता नहीं क्या क्या बस पतीड़। हम अपनी लोकल जो लैंग्वेज है यहाँ पे उसको पतीड़ ही बोलते हैं। तो आज उसी की ही सब्जी हम लोग बना रहे हैं, और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा डिनर, मजा आएगा खाने का। तो दिखाते हैं आप लोगों को तड़का। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा, यहाँ पे ये बना ही नहीं सकता कोई, नहीं लगा ही नहीं सकता, सबसे लग मेरी खुद की हिम्मत नहीं। हाँ ये बारिश अभी आज थोड़ी, सुबह बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो तब जाके थोड़ा मतलब वहाँ पे तो मन करता है कुछ भी बनाने का, पर यहाँ तो मैं बोल रही किचन के पास गैस पास खड़े होने का भी, खड़े होने का बिल्कुल मन नहीं है सच में। ऐसी चिपचिपी कपड़े जितने भी चेंज कर लो, कढ़ाई होने के लिए जा रहे हैं कढ़ाई में। तो ये देखिए दिखाती हूँ आप लोग, ये देखिए जी तड़तड़ाई लगी होने। चलो जैसे भी है, दीदी की मेहरबानी से आज हम लोग टेस्ट कर ही लेंगे ये पतीड़, नहीं तो ये सब्जी रह गई थी, क्योंकि ये नई चीज है अभी, नली होती है। हाँ। साथ में ही मिलेगी आपको ये पतीड़ के पत्ते। हाँ। नेक्स्ट ईयर होंगे ऐसा है। तो आप लोग भी टेस्ट कीजिएगा सिर्फ वीडियो में। ये सिर्फ बने हुए आप लोगों को दिखा रहे हैं, बनाते हुए तो अब दीदी ने आप लोगों को बता ही दिए। अपने चैनल पे अगर आप लोगों को देखना है कि कैसे बनते हैं, तो उनके चैनल पे जाके देखिए। मैं तो सिर्फ यहाँ पे तड़का हो रहा है वही दिखा रही हूँ, बस मेरी आज ये इच्छा पूरी हो रही है। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि चलो जैसे भी खाने को मिल रहे बस, और कुछ नहीं। तो इसकी जो रेसिपी है वो दीदी के चैनल पे जाके देखिए, अंजू शर्मा ब्लॉग, उसमें आप लोगों को पूरा डिटेल से ये मिलेगा तो वहां पे जाके देखिए। तो जी फाइनली खाना वगैरह रेडी हो चुका है, अब मैं थोड़ी देर पंखे के पास बैठ गई हूँ, इतनी गर्मी की पूछो मत। और दीदी लाए हैं अपने घर से सेब, अपने बगीचे के, अपने ऑर्चर्ड के सेब, तो खा रही हूँ। मीठा है लेकिन इतना मजा नहीं है जितना सांगला वैली के सेबों में, थोड़े कच्चे कच्चे लग रहे हैं, पर ठीक ही है क्योंकि फ्रूट तो फ्रूट ही है भाई, फ्रूट खाओ चाहे कच्चा चाहे पक्का, और मिल जाए सबसे बड़ी बात है, मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी हमारे सेब हुए ही नहीं है, तो यही अच्छे लग रहे हैं। मेरी कड़ियर पीछे लाई दो, समझो क्या कड़ी दूँ। तो जी फाइनली डिनर रेडी हो गया है, और सब लोग लग गए हैं डिनर करने, दीदी परोस रहे हैं, और मैं अभी चपातियां बना रही थी, तो सब लोग खा रहे हैं, उसके बाद मैं और दीदी लास्ट में खाएंगे। थाली परोस दी गई है, पतरौड़ और देसी घी का तड़का, अंग अंग फड़का, और इसके साथ साथ कड़ी, और यह है जी लस्सी, ताजा ताजा छाछ। भाई कैमरे में आने वाले लोग क्यों छिप रहे होड़े, मैं तो ये सोच रही हूँ। अभी असली नेचुरल में मैं आप लोग आपको दिखा रही हूँ। तो लास्ट में बच गए हैं मैं और दीदी, बाकी सब खा चुके हैं, और एंड ऐसी काली शक्ल के साथ मैं कर रही हूँ।
क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा भयानक है। देखिए पंखे के पीछे बैठी हूँ और तब खाना खा रही हूँ। तो सब लोग खाना खा के बाहर निकल गए हैं हवा में। और इसी के साथ ही आज का जो ब्लॉग है वो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय ऑल। और हम लोग कर लेते हैं यमी यमी डिनर।